चौकीदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रामचंद्र वर्मा सुजौली टपरा थाना सुजौली बहराई का निवासी हूँ। मैं ग्राम सभा चौकीदार हूँ। हम लोगों को 2500 रुपये मिलता है, उसमें ना बाल बच्चों का पालन पोषण हो सकता है, ना पढ़ाई लिखाई हो सकती है, और ना हम उनको कपड़ा लत्ता ले पाते हैं। 2500 रुपये में महीने की जूते के पालिश के बराबर है। इसमें हम लोग क्या करें। 2022 के इलेक्शन से पहले सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो चतुर्श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा, 10,500 तनख्वाह किया जाएगा। उसके बाद बजट पास हुआ 47,88,00,000 का, वो बजट सरकार ने गायब कर दिया। आज तक कोई उसका पता नहीं चल रहा है। हमारे चौकीदार कम से कम 10,000-15,000 2017 नवंबर 2022 से इको गार्डन में पड़े हुए हैं। ना उनको खाने का व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। फिर ब्रजेश पाठक से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से पहले के चौकीदार कार्य करते थे, जुआ दारू बारू, इसके लिए आप लोग मेहनत करिए। भैया मैं देखिए महीने में ड्यूटी करता हूँ, ना कहीं काम करने जा पाता हूँ। महीने में 4 ड्यूटी ली जाती हैं। फिर अगर कहीं चाहें कि हम लोग कमा लें तो 1 रुपया कमाने नहीं जा पाता हूँ। अगर चले जाएं तो महीने में हाजिरी कट जाएगी हफ्ते में। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए। आप लोग तनख्वाह अपना बढ़वाना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने तनख्वाह बढ़वाने के कारण, और जो अपराध है उसकी सूचना हम आपको देते रहेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जैसे अंग्रेजों के जबानों से चौकीदारी चल रही है, जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो जो गुंडे माफिया थे वो दबते थे, और आज कल हम लोगों की सिर्फ 2500 रुपये तनख्वाह है, जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है वो आराम से करते खाते हैं। हम लोग 2500 रुपये में क्या करें। और फिर 2022 के पहले हम लोगों का बजट पास हुआ था 47,88,00,000 का, उसको हमारी सरकार ने गायब कर दिया। उसको खा लिया या क्या किया। और आज जो क्षेत्र में 50,000-40,000 तनख्वाह पाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। हमारी मांग है कि PRD होमगार्ड के बराबर चौकीदारों की तनख्वाह हो और चतुर्श्रेणी का दर्जा मिले। बकाया जो आज के 17 तारीख में ब्रजेश पाठक जी से हमारे चौकीदार इको गार्डन से मिले थे, उन्होंने कहा था कि जैसे पहले कार्य कर रहे थे वैसे चौकीदार करें, तो हम लोग वैसे ही सूचना दूंगा। पहले थाने पर अगर नहीं मानते हैं गुंडे माफिया तो DMO कप्तान को सूचना दूंगा। जो जुआ खेल रहे हैं, अपराधी हैं, दारू बेच रहे हैं, उसकी सूचना हमें दूंगा, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए।